अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों ये नई वीडियो उन लोगों के लिए है जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन को समझना चाहते हैं। ठीक है, वो ये जानना चाहते हैं कि चार डायोड्स को मिला के हम ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह बना सकते हैं और उसको फिर एसी टू डीसी कन्वर्शन के लिए यानी रेक्टिफिकेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि जब ब्रिज बन जाएगी तो बग़ैर कैपेसिटर के और बग़ैर लोड के वोल्टेज कैसे कितना होगा, और जब कैपेसिटर इस पर लगाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और जब इस पर लोड रखेंगे लोड कोई डालेंगे कोई कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है डायग्राम से क्योंकि डायग्राम ज़रूरी है समझना। तो उसके लिए आप देख लें एनोड कैथोड जो हमारे पास डायोड होता है उसका, दोनों मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाली जो है ये शेप है उसकी जो आपको मिलता है बाज़ार से, उसमें एक साइड से एक बैंड होती है, पट्टी होती है, ठीक है, वाइट सी, और दूसरी तरफ वाइट हो या किसी भी कलर की हो लेकिन एक साइड पे पट्टी होती है ताकि पता चले कि ये कैथोड है और दूसरी साइड एनोड है। ठीक है, और जो सर्किट सिंबल है वो उसके नीचे है वो भी आपको पता होगा। अब इन चार डायोड्स को मैंने इस तरह कनेक्ट करना है जैसे कि आपको ये डायग्राम दिखा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि एनोड किस तरफ होना चाहिए और कैथोड किस तरफ होना चाहिए, एसी किस तरफ कनेक्ट होना चाहिए और जो डीसी बनेगा वो कहाँ से हमें लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आप एग्जैक्टली इस डायग्राम को फॉलो करेंगे या क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो आपको एसी नहीं मिलेगा, एसी से डीसी नहीं मिलेगा और हो सकता है कि कोई डायोड भी साथ में ख़राब हो जाए। ठीक है, ये देखें ये पॉइंट एसी का है, ये भी आप देखें एसी का है। इसकी लॉजिक ये है कि देखें एक साइड से कैथोड है एक साइड से एनोड है। ठीक है, मतलब प्लस माइनस दोनों मौजूद हैं जिसको आम अल्फाज में हम एसी कहते हैं कि प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है, ये जो साइड है यहाँ पे देखें मैं इसको डीसी कह रहा हूँ, दोनों साइड कैथोड है, इसको भी मैं डीसी कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों साइड क्या है एनोड है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसका सर्किट बन गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इससे आगे जो मेन सर्किट है जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस तरह डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सर्किट में आप देख सकते हैं मुझे चार डायोड्स चाहिए होंगे। ठीक है जी, आप ये देख लें चार डायोड्स हैं। ठीक है, ये इसकी आप एक साइड देख सकते हैं जो कि उस पर पट्टी है यानी बैंड लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें हमने इसी तरह से रखने हैं। ठीक है, ये पहला और फिर इसी तरह से ये दूसरा। ठीक है, हमने ये देखना है कि कैथोड किस तरफ होना चाहिए, फिर ये तीसरा हो गया। ठीक है, और ये देखें ये चौथा हो गया। ठीक है, तो ये चार डायोड्स इस तरह हम अरेंज करेंगे, ये हमारे पास बन गया क्या चीज़, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ये वो डिवाइस है, ये वो जो सिस्टम है, ये डिज़ाइन है कि जो हमें मदद देता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आपके मोबाइल चार्जर में भी ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, और टीवी में भी यही होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कि जहाँ पे हमें डीसी रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये लगता है। ठीक है, तो अब ये देखें मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बना के दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे चारों डायोड्स को एक काविये के ज़रिए आपस में मिलाना होगा, मतलब उसको सोल्ड करना होगा। ठीक है ना, सोल्डरिंग करनी होगी उसकी। ये देखें मैं इस तरह इन चारों को आपस में मिलाते हैं तो जो हमारे पास नई डिवाइस आ जाएगी या जो अरेंजमेंट हमारे पास नई आ जाएगी वो ब्रिज रेक्टिफायर होगा। ठीक है, ये बीएससी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है, डीएई जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, और फिज़िक्स वाले तो इसको पढ़ते ही हैं। ठीक है, फिज़िक्स और इंजीनियरिंग वाले इसको पढ़ते हैं। ये देखें दो आपस में लग गए। ठीक है, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये जो बैंड्स हैं ये दोनों की जिस तरह डायग्राम में है उस हिसाब से हो। ठीक है, यहाँ पे ही हमारे पास कैथोड बन जाएगा डीसी का। तो इस तरह से है दोस्तों, जो सीखना चाहते हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूँ।
मेरी कोशिश है कि जो बेसिक्स हैं उनको लेके थोड़े एडवांस की तरफ जाया जाए। लेकिन हमें पहले ये तो जानना ही होगा कि ये जैसे ब्रिज इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है हमें हर जगह पे एसी तो नहीं चाहिए, डीसी भी चाहिए, तो ये उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और चूंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 से 240 वोल्ट, तो उसके लिए हम ये बनाते हैं। पहले ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब है कि वो जो 220 या 240 वोल्ट आ रहा है पीछे से, उसको वो डाउन कर देता है, जैसे 5, 12, 9, 6, इस तरह जितने वोल्टेज हमें चाहिए वो उसी हिसाब से डाउन कर देता है। ठीक है, फिर वो जो डाउन वोल्टेज आती है ना, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल मोबाइल को 220 वोल्ट नहीं चाहिए, मोबाइल को 5 वोल्ट चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब वो 5 वोल्ट डीसी चाहिए, हमने इसको जो मेन सप्लाई है, जो बिजली है, उसी से लेना है, तो वो तो चूंकि एसी आ रही है, इसके लिए हमें ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा कि जो 220 को कन्वर्ट करे 5 में, लेकिन 5 एसी जो है वो हमें डीसी में भी दे दे। तो हम पहले ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन, वो उसको स्टेप डाउन कर देता है 5 वोल्ट तक, 6 वोल्ट तक, जितना भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और वहाँ पे फिर हम ये ब्रिज रेक्टिफिकेशन यूज़ करते हैं। इसके मुख्तलिफ शेप्स हैं, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाई हैं। ठीक है, ये तो जस्ट एक डिज़ाइन है, इस तैयार भी आजकल आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, छोटे बहुत छोटे छोटे भी आ जाते हैं। ठीक है, अपने ज़रूरत के मुताबिक, तो ये फिर हम यूज़ करते हैं ताकि उस एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करें। ठीक है, और जब वो डीसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आगे हमें जो है कैपेसिटर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं क्योंकि कैपेसिटर उसको स्मूथ कर देता है। ठीक है, वो जो सप्लाई आ रही होती है ना एसी, उसको क्या कर देता है, स्मूथ। एसी में ये होता है ना अल्टरनेटिंग, वो कभी अप जा रही होती है, कभी डाउन। अगर मैं मोर टेक्निकल वर्ड यूज़ करूँ तो फिर मैं ये कहूँगा कि उसका हाफ साइकिल प्लस होता है, हाफ साइकिल माइनस होता है। ठीक है, तो इस प्लस माइनस की वजह से उसमें जब वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे वो टोटली डीसी में तो नहीं आता, उसमें थोड़ा बहुत रिपल आ जाता है। रिपल हम कहते हैं कि अप डाउन रह जाता है। ठीक है, उस रिपल को ख़त्म करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए हमें फिर कैपेसिटर लगाना पड़ता है। ठीक है, कैपेसिटर मैं पिछली भी किसी वीडियो में समझा चुका हूँ कि कैपेसिटर का काम ऐसा है, जैसे आप ये समझें कि जैसे हम कोई ना टैंकी रख देते हैं पानी के नलके के आगे। ठीक है, पानी का जो नलका है उससे पानी आ रहा है। ठीक है, और हमने एक टैंकी लगा ली है, अब वो नलके से अगर कोई सेकंड या 2 सेकंड के लिए पानी नहीं भी आता ना तो भी हमें इशू नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हम टैंकी आके रख देते हैं और टैंकी भरी होती है। अब टैंकी से हम पानी ले रहे हैं, अगर पीछे से जो नलका है वो 2 सेकंड के लिए बंद भी हो जाए तो भी हमें टैंकी स्मूथ सप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो सेम ये भी ऐसे ही काम करता है, ये जो कैपेसिटर है। ठीक है, ये भी उसको आगे स्मूथ कर देता है वोल्टेज को। अब आ जाती है बात इसकी कि जो लोड है उससे क्या होता है। तो लोड पर यह करता है कि जो वोल्टेज हमें दिया गया है कैपेसिटर लगा के, ठीक है, कैपेसिटर लगाने के बाद वोल्टेज हाई शो होता है, हालांकि वो इतना हाई नहीं होता, जैसे ये 12 वोल्ट है तो ये आपको ज़्यादा शो कर देगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं उस पर भी बात करूँगा। अभी आप ये देखें, ये मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर बन गया है। ठीक है, अब मैंने इसको किसके साथ लगाना है, ट्रांसफार्मर के साथ। ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा है, ये 250 वोल्ट है, 220 वोल्ट है और 12 वोल्ट आउटपुट है। ठीक है, यानी 220 वोल्ट इनपुट है और जो 12 वोल्ट है वो क्या है, आउटपुट है। अब हम इसको लगाएंगे और मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये अब कैसे इसने डीसी बना लिया है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत है जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपको समझ है चीज़ों की, आप समझ रहे हैं मेरी बातें, और मेरी कोशिश है कि ये चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन करूँ और इसको इजी बनाऊँ, क्योंकि ये हमें अक्सर प्रैक्टिकल्स में भी आ जाता है।
मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन मैं वीडियो बनाऊं इसकी ऑसिलोस्कोप की मदद से, कि आपको इसकी वेव फॉर्म दिखाऊं कि कैसे ये जो साइन वेव है उसको कैसे ये कन्वर्ट करता है डीसी में, ठीक है। तो उम्मीद है उससे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखें, मैंने इसके साथ एसी कनेक्ट कर लिया ट्रांसफार्मर के साथ। दोस्तों ये ख्याल रहे कि जब भी ट्रांसफार्मर के साथ कोई भी काम आगे करना है, ब्रिज लगाना है, कुछ भी करना है, तो इसको पीछे से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एसी में इसको नहीं होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें आपके सामने है, ठीक है। ये वोल्टेज मैंने डीसी पे रखनी है, क्यों रखनी है वो भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हम अब इसको डीसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें डीसी पे लगाया 20 वोल्ट पे, क्योंकि मुझे पता है ये 12 वोल्ट मैक्सिमम 12 वोल्ट देगा, तो मैंने 20 पे लगा दिया, ठीक है। अब देखें ये कितना दे रहा है, 11.60। तो ये ट्रांसफार्मर इस वक्त ये दे रहा है, ठीक है। अब ज़ाहिर है पीछे से भी 220 तो फिक्स नहीं है ना, तो हो सकता है वो कोई 210 हो, कुछ हो, तो खैर ये 11.60 दे रहा है, ठीक है। अब ये आप चाहते हैं कि इसके साथ कैपेसिटर कनेक्ट करें, फिर देखें कि क्या बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये डिज़ाइन देख लें, ये हमारे पास डायग्राम था पहले से, और ये कैपेसिटर इधर हम लगाएंगे, ठीक है। और ये आपने बुक्स में भी देखा होगा, यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वोल्टेज जो रेंज है वो जैसे पीछे से 12 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 12 से ज़्यादा 16 या 25 वोल्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है, तो 2200 3300 इससे ज़्यादा नहीं, बस 2200 3300 लगा लें, फिर वो डिपेंड करता है ज़रूरत पे, ठीक है। ये मैं जनरली मैंने एक लगा दिया है 3300 UF का, ठीक है, माइक्रोफेराड का। ये मेरे पास डायग्राम बन गया, ठीक है ना। क्योंकि वो 25 वोल्ट है, तो ये भी कोशिश करेगा कि अभी जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये 12 वोल्ट की जगह कुछ और वोल्ट शो करें, ज़्यादा वोल्ट शो करें। वही वाली बात है जैसे मैंने आपको कहा था ना कि टैंकी है पानी की, अब टैंकी भरी हुई है तो टैंकी अपने लेवल की भरी हुई है, उसने उसी प्रेशर से पानी देना है, ठीक है। अगर पीछे से प्रेशर कम भी आ रहा है पानी का, तो कभी पानी मिस भी हो जाता है, तो भी उसने तो आगे से स्मूथ ही देना है। तो अब ये वो टैंकी वाला हिसाब है। ये देखें कैपेसिटर को कनेक्ट करना है, माइनस और प्लस का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप ये ख्याल नहीं रखते, प्लस को आपने माइनस और माइनस को प्लस लगा दिया, तो थोड़ी देर बाद ये ब्लास्ट हो सकता है ये कैपेसिटर, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि ये एक्सपेरिमेंट्स करते हुए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, तो पंगे लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप कर सकते हैं तो ध्यान रहे कि कोई आप ऐनक लगा लें, वो जो मोटे मोटे मिल जाते हैं ना इसी काम के, ठीक है, वो लगा लें। और उसके अलावा ग्लव्स भी यूज़ करें, कोशिश करें कि ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे करंट लगने के चांसेस ना हों, पाँव के नीचे कोई रबड़ पैड रख लें, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक का चांस मिनिमम हो, ठीक है। तो अब देखें ये लगा लिया है, ठीक है, कैपेसिटर कनेक्ट हो गया है, जो कैथोड और एनोड था वहाँ पे हमने लगा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि इस कैपेसिटर का क्या इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है, इसका क्या असर पड़ा। तो इसमें ये देखें मैंने वहाँ पे अभी कनेक्ट कर देना है इनपुट में, ठीक है। ये देखें 220 वोल्ट मैं अभी वहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ये देखें कनेक्ट हो गया है। अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, आप देखेंगे कि वोल्टेज कितना है। ये आप देख सकते हैं 17.28, जो कि एग्जैक्टली है नहीं, आपको पता भी है, और मैंने सारे रीज़न बयान कर दिए कि इसकी वजह क्या है, ठीक है। अब मेरे पास एक लोड है, ठीक है, ये लोड मतलब एक बल्ब है मेरे पास, एक एलईडी बल्ब है, ठीक है। मैं अब इसको चेक करके बताऊंगा आपको कि इस लोड का असर क्या होगा, ठीक है। ये पहले इसको ऑन करते हैं लोड को, ये लोड ऑन हो गया, इसका मतलब है कि जो ये हमारी अरेंजमेंट है, जो डीसी हमें मिल रहा है उस पर हमने लोड डाल दिया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि लोड के होते हुए वोल्टेज कहाँ तक आ जाता है, ठीक है। अब आप चेक करें वोल्टेज को, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें 10.46 या 47, क्यों, क्योंकि अब लोड है इस वजह से, ठीक है। ये सही वोल्टेज है आपके पास,
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ भी आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।